कि आज से 3.5 साल पहले मार्च 2015 को बीजेपी और पीडीपी के बीच में एक अनएथिकल अलायंस हुआ था। पीडीपी अकेली पार्टी है जो ने बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, और कश्मीर की आवाज जो है, कश्मीरियों की जो आवाज और कश्मीरियों की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए वो बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। यही कारण है कि कश्मीरियों ने विश्वास किया, भरोसा किया पीडीपी पर, और जम्मू के लोगों ने विश्वास किया बीजेपी पर। पीडीपी ने कश्मीर घाटी के लोगों के साथ विश्वासघात किया और जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ बीजेपी ने विश्वासघात किया, और सेंट्रल लीडरशिप ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों के और विश्व के लोगों के साथ विश्वासघात किया। तो पूरा कश्मीर को और देश का इलेक्शन भी उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर ही जीता था। पहले जो आतंकवादी होते थे जम्मू कश्मीर से, उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं थे, लेकिन इनके वक्त में पहली दफा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमए, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के लोग वो ट्रेनिंग लेके, नौकरियां छोड़ के मिलिटेंसी में चले गए। तो ऐसा वातावरण इन्होंने 3 साल में जम्मू कश्मीर में बनाया। हाउ डज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी प्रपोज टू इंश्योर पीस एंड नॉर्मलसी इन द स्टेट? When will the ceasefire violations by Pakistan and terror attacks on our soil stop? What is the economic road map for inclusion and progress for the people of Jammu and Kashmir in Ladakh? How does the central government propose to prevent the radicalization of Jammu and Kashmir youth? What are the plans for employment creation and promotion of tourism in the state of Jammu Kashmir? How does the Modi government propose to engage with various sections of the state in order to win their hearts and minds? How does it plan to ensure peace and development in all the 3 regions of the Jammu Kashmir?